भारत और इंग्लैंड के विचकार क्वारंटाइन नियमों को लेकर चल रहा तनाव खत्म हो गया। भारत में बरतानिया के हाई कमिश्नर ने कहा कि भारत तो ब्रिटेन जाने वाले लोगों को 11 अक्टूबर को उत्थे क्वारंटाइन नहीं रहना होगा। हालांकि इन लोगों को कोविशील्ड या किसी दूजे ब्रांड तो जिसनों ब्रिटेन ने अप्रूव किया हो वैक्सीनेटड होना जरूरी होगा। इस तो पहला बरतानिया सरकार ने कहा कि जो लोग भारत तो बरतानिया आ रहे हैं उन्होंने कोरोना वैक्सीन दिया दोवे डोजा लिया होण तद भी उन्होंने वैक्सीन ना लैण वाले की तरह 10 दिन क्वारंटाइन होना पेगा तो टैसट कराने हो। इस कदम की भारत में काफ़ी आलोचना हुई। भारत ने भी इसके जवाब में ब्रिटेन तो आने वाले 10 दिन का क्वारंटाइन कोरोना टैसट जरूरी कर दिता। चौबीस सितंबर को भारत सरकार ने कहा कि असी ब्रिटेन को उसके अंदाज में जवाब दे सकते हैं। केंद्रीय सेहत सचिव राजेश भूषण ने दसिया कि दोवे देशों की सरकार आपस में गल कर रही ने। उन्होंने भारतीय यात्रियों से लगी पाबंदियों भेदभावपूर्ण दसिया। भारतीय यात्रियों से ब्रिटेन में जारी कोरोना पाबंदियों का भारत ने भी करारा जवाब दिता। नवे नियमों मुताबक ब्रिटेन तो आने वाले यात्रियों को भारत में 10 दिन आइसोलेट होना पड़ेगा। सरकार ने 1 अक्टूबर को यह आदेश जारी किया। इस तो अलावा यूके के लोगों को RT-PCR टेस्ट भी करवाना जरूरी कर दिता गया। आदेश जारी होने के कुछ समय बाद ही ब्रिटेन ने इससे अपनी प्रतिक्रिया दी। भारत में बरतानवी हाई कमीशन के बुलारे ने कहा कि ब्रिटेन सरकार भारत में लगी वैक्सीन मानता देने के तकनीकी पहलुआ से भारत सरकार गल कर रही है।